24 दिसंबर की रात कटघरे में खड़ी मिस जैनेट कोलमैन ने डिमेलो फैमिली के एक नहीं बल्कि चार चार सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी। It was a mass murder, Your Honor. Your Honor, जैनेट ने अभी अभी अपने कथन में अदालत को बताया कि फ्रांसिस को धमकाने गई थी ये क्योंकि ये चाहती थी कि फ्रांसिस इनके पास लौट आए। सामान्य ज्ञान की बात है Your Honor, अगर ये चाहती थी कि फ्रांसिस इनके पास लौट आए तो इनकी हत्या क्यों कर? Your Honor, एक गवाह झूठ बोल सकता है, पूरा वाड़ा नहीं। Silence in the court, please. हाँ, मैंने खून किया है। मैंने फ्रांसिस और उसकी पूरी फैमिली का खून किया। Hang the devil! I am the sinner! Hang me! Hang me! Kitty, मेरा केस छोड़ दो। हमको फाइट नहीं करना। वाड़ा में सबको लगता है कि हमने मर्डर किया है और सब लोग तो झूठ नहीं बोलेगा ना। And I was drunk. I killed Francis and his family. जैसी तुझे वो लड़का याद है अरुण शर्मा? हमारी कक्षा में था, तेरे पीछे बैठता था, गुंगरेले बाल, मोटे मोटे चश्मे, सोडा ग्लासेस। हाँ वही याद है, क्लास में वो शरारत करता था, चौक फेंक कर मारता था टीचर को, तुम्हें फंसाता था और तुम बेवकूफों की तरह न किए हुए अपराध का दंड स्वीकार करती थी, उस अपराध के लिए जो तूने किया ही नहीं था। तब से लेकर अब तक एक ही प्रॉब्लम है तुझमें, आत्मविश्वास की कमी। उस समय तो टीचर तुझे क्लासरूम में कोने में खड़ा करता था, लेकिन इस समय जैसी तू फांसी के तख्ते पर खड़ी है। मैं जीना नहीं चाहती केटी, फ्रांसिस नहीं रहा। I don't want to live. हाँ, फ्रांसिस तो रहा नहीं, लेकिन क्या तू सचमुच प्यार करती थी फ्रांसिस से? I love him. I still love him. तो क्या तू ये नहीं चाहती कि उसका असल हत्यारा पकड़ा जाए, उसके असल हत्यारे को दंड मिले? देख जैसी, हो सकता है तेरा एक दुश्मन तुझे बसा रहा। No. मेरा कोई एनिमी नहीं। तो फ्रांसिस का कोई दुश्मन होगा, वो क्या नाम है उसका, रॉबर्ट मॉर्गन, उसके बारे में क्या जानती है तू? Your Honor, कोर्ट की पिछली डेट पर खुद मिस जेनेट कोलमैन ने अपने गुनाह को कबूल किया था कि 24 दिसंबर की रात उन्होंने फ्रांसिस और उसकी पूरी फैमिली का कत्ल किया, लेकिन डिफेंस काउंसिल ने मेडिकल ग्राउंड्स का सहारा लिया उन्हें बचाने के लिए और केस का रुख मोड़ने के लिए उन्होंने वाड़ा के सबसे रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल मिस्टर मॉर्गन को समन्स इशू किया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि उन्हें यहाँ बुलाने के पीछे आपका क्या मकसद है? इनके सवाल का जवाब दीजिए केडी। ऑफ कोर्स योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदय, अब श्री माननीय रॉबर्ट मॉर्गन जी आ ही गए हैं यहाँ, तो इनसे चंद प्रश्न पूछ लूंगा मैं और उन प्रश्नों के उत्तर द्वारा आप पर ये बात जाहिर हो जाएगी कि इन्हें यहाँ क्यों बुलवाया है मैंने। आप विराजिए ना। शुक्रिया। हाँ तो माननीय श्री मॉर्गन साहब, क्षमा चाहते हैं, आपको यहाँ आने का कष्ट दिया। नॉट एट ऑल, आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन और अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो मुझे आना ही चाहिए। आना ही पड़ेगा, जो भी हो। आप हत्या के दिन 24 दिसंबर को, हत्या होने से पहले कुछ समय पहले ही रोज विला के अंदर गए थे आप? जी जी, आप गए थे रोज विला के अंदर, क्योंकि योर ऑनर, रोज विला के मेज से हमें दो गिलास बरामद हुई है जिनमें वाइन के कुछ अंश थे और दोनों ग्लास पर उंगलियों के निशान, एक ग्लास पर स्वर्गीय जॉन एडम्स की उंगलियों के निशान पाए गए और दूसरे ग्लास पर माननीय श्री मॉर्गन साहब की। फोरेंसिक की रिपोर्ट आपकी मेज पर है योर ऑनर, इससे स्पष्ट होता है कि आप गए थे वहां एडम्स साहब के साथ, आपने वाइन भी पी थी। वेल, इट वॉज क्रिसमस और मैं मेरी क्रिसमस विश करने को गया था। तो अभी के कथन के अनुसार क्रिश्चियन वाड़ा का हर परिवार आपके परिवार जैसा है, क्रिश्चियन वाड़ा का हर घर आपके घर जैसा है, तो क्रिसमस ईव पर आप हर घर में जाते हैं सबको क्रिसमस की बधाई देने, उन्हें विश करने? जी गया था, आप चाहो तो पूछ लीजिए ना इनसे। अच्छा, इन सभी से पूछ सकता हूँ। तो हर घर में जाते हैं तो हर घर में थोड़ी सी वाइन होती होगी आपकी, तो इतना सारा वाइन पीने के बाद तो क्या मैं ये कहूँ कि आप थोड़े से टिप्सी, थोड़े से नशे में आ गए? नॉट एट ऑल। क्यों, वाइन तो नशीला पदार्थ होता है, वाइन पीने से थोड़ा तो? मैं बिल्कुल ठीक था,
I was absolutely normal. आप चाहे तो आप इन सभी से पूछ सकते हैं। एक एक बात बताइए मुझे, अपने कथन को समर्थन देने के लिए आप बार बार इनसे पूछने को कहते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। तो ये समझाइए कि जब आपकी उस शाम को इतनी व्यस्तता थी, हर घर में जाना था आपको, सबको बधाई देनी थी, तो फिर आप एडम्स साहब के घर वाइन पीने, मतलब फुर्सत में समय निकाल कर बैठ गए उनके साथ वाइन पीने, आपको जल्दी नहीं थी दूसरे घरों में जाने की? मैं तो बस उनको मिलकर विश कर निकलने ही वाला था, लेकिन अंकल जॉन ने इंसिस्ट किया, वो खुद बैठ के वाइन पी रहे थे। उन्होंने कहा फेस्टिव मूड है, क्रिसमस है, बैठ के एक ग्लास वाइन पीकर सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए मैं रुक गया। चलिए जो भी हो, तो जब आप स्वर्गीय जॉन एडम्स के साथ बैठकर वाइन का सेवन कर रहे थे, तो स्पष्ट है कि कुछ वार्तालाप हुई होगी, कोई बातचीत? मिस्टर पाठक, कोर्ट का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं, इन बेतुके सवालों का क्या मतलब है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं अदालत का समय व्यर्थ नहीं कर रहा, मेरे प्रश्न पूछने का तात्पर्य क्या है ये बहुत जल्द मैं अदालत के समक्ष रहूंगा। मैं विनती करता हूँ अदालत से कि आप अभियोग पक्ष को आदेश दे कि मेरी दलील में खलल ना डाले, विक्षेप ना डाले। ऑब्जेक्शन ओवर। हाँ, तो क्या बातचीत हो रही थी आपकी एडम्स साहब के साथ, क्या वार्तालाप हो रही थी, किस विषय पर चर्चा हो रही थी? Cheers, बोले अंकल, and a great year. God bless you. Thank you. वैसे अंकल जॉन, आपकी एज कितनी है? My age? अरे, it's 67. No. What? You don't look a day older than 55, uncle. Oh, my dear, my son Francis is 45. एक सेकेंड, फोन। Yes, Susie. Yes, coming, I forgot. Father Henry is waiting for me. Merry Christmas in advance. Same to you. Okay, bye. See you soon. Bye, uncle. Yeah, sure. That's it. और हम चौक में चला गया। अच्छा, पता नहीं क्यों आपके इस कथन को मानने का मन नहीं कर रहा है। आप बता सकते हैं क्यों? How do I know? But I know, Mr. Morgan. अच्छा ये बताइए कि क्या ये सत्य नहीं है? मेरी मोकिल जैनेट ने मुझे बताया कि आप रोज विला को खरीदना चाहते थे, उसका पुनर्निर्माण करना चाहते थे, रीडेवलपमेंट करना चाहते थे, वहाँ एक डांस क्लब और पब बनाना चाहते थे, ये बात सही है? ओ या, करेक्ट। हमारा तो बिजनेस ही है कंस्ट्रक्शन का, योर ऑनर, और अभी भी हमारे 7 साइट्स पे काम चालू है। और हाँ, हमने अंकल जॉन और फैनी को प्रपोजल दिया था। हमने बहुत दबाव भी डाला था अंकल जॉन और उनकी सुपुत्री फैनी पर, लेकिन काम हो नहीं रहा था। आप कितने वर्षों से प्रयास कर रहे थे? 3 वर्षों से प्रयास कर रहे थे? यस, 3 इयर्स से, लेकिन वो रेडी नहीं था, इसलिए हम वहाँ पब नहीं बना सकता था। वहाँ पब नहीं बना, अब तो बनेगा। व्हाट डू यू मीन? I mean, Mr. Morgan, that you had the perfect motive to kill the family and commit mass murder. Your Honor. Order. No, हम किसी का खून नहीं किया। अरे वैसे अच्छा लगा, जिनसे आप कह रहे थे पूछने को, आप समर्थन मांग रहे थे, वही सारे लोग आपके समर्थन में बोले। ये बताइए कि अगर बात ऐसी थी तो आप चुप क्यों रहे? अदालत में ये बात पहले क्यों नहीं बताई आपने? क्या कारण था इसके पीछे? यस योर ऑनर, लेकिन हम ये बात छुपाया क्योंकि हम नहीं चाहता था कि हम पर डाउट आए, क्योंकि हमने तो किसी का खून नहीं किया योर ऑनर। ये तो समय ही बताएगा मिस्टर मॉर्गन। योर ऑनर, यही था तात्पर्य मेरा मिस्टर मॉर्गन को अदालत में बुलाकर इनसे प्रश्न पूछने का, ताकि सत्य बाहर आए। और सत्य ये है योर ऑनर कि मेरी मुवक्किल जैनेट कोलमैन जिस समय रोज विला में गई थी, उस समय श्री मॉर्गन भी वहां उपस्थित थे अंकल जॉन के कमरे में। अंकल जॉन, फैनी को समझाओ, रोज विला अपुन को बेच दो, अगर प्रपोजल नहीं माना तो बहुत बुरा होगा अंकल। मैं तुम सबको मार डालूंगा। Kill you, Francis. Francis!
That's not true. हमने किसी का खून नहीं किया, योर ऑनर। यही सत्य है मिस्टर मॉर्गन कि आपने अपने इरादों को अंजाम देने के लिए रोजविला की जगह अपना पब बनाने के लिए, अपना नाइट क्लब बनाने के लिए डिमेलो परिवार की हत्या की है। प्रोसिक्यूशन इज कुकिंग स्टोरीज, ये हकीकत नहीं सिर्फ कहानी है। आप भूल रहे हैं कि मास मर्डर करने के बाद भी मिस्टर मॉर्गन अपने इंटेंशंस में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि अभी भी डिमेलो परिवार का एक सदस्य जिंदा है, एंड दैट इज जेफरी। मैं कुछ नहीं भूल रहा अभियोग पक्ष महोदय, संभवतः आपको ज्ञान नहीं कि जेफरी जिनकी बात आप कर रही हैं उनको रुपयों की सख्त आवश्यकता थी। स्वयं गए थे वो अपने पिताजी के पास, अपने बहन के पास, रोजविला को बेचने का प्रस्ताव लेकर। अब डिमेलो परिवार के जाने के बाद तो उनके लिए बहुत आसान है मिस्टर मॉर्गन से रुपए लेकर रोजविला को बेचना, ताकि ये अपने इरादों में कामयाब हो सके। How do you explain the pistol? जेफरी की पिस्टल मिस्टर मॉर्गन के पास कैसे पहुंच गई? It's a coincidence. आकस्मिक, योर ऑनर। पिछले सुनवाई में जेफरी ने यह कथन दिया था अदालत में कि ये रिवॉल्वर मैंने फ्रांसिस को दिया था क्लीनिंग करने के वास्ते, किंतु उन्हें याद नहीं कि उन्होंने वो रिवॉल्वर वहां से वापस ली थी या नहीं। नहीं ली थी योर ऑनर, वो रिवॉल्वर वहीं थी। इसी कथन के आधार पर अभियोग पक्ष महोदया ने उन्हें मेरे आरोप से बचाया था। अब इसी आरोप के आधार पर मैं मिस्टर मॉर्गन को हत्यारा साबित करूंगा योर ऑनर। मेज पर पड़ी हुई बंदूकों में से इन्होंने जेफरी की बंदूक उठाई और उसी बंदूक से ये हत्याएं की है। Is that clear now? Very clear, Mr. Patra. Just give me a minute. Janet, 24 दिसंबर की रात जब आप रोजविला में गई तो वहां पर डिमेलो फैमिली के चार मेंबर्स थे। Yes. ये फोटोग्राफ्स देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए। ये देखिए, फ्रांसिस, फैनी, डायना और जॉन एडम्स, ये चार लोग थे। इनको देखिए, ध्यान से देखिए और बताइए कि रोजविला में उस रात ये थे या नहीं। नो, ये वहां नहीं थे। योर ऑनर, नहीं देखा मतलब उस वक्त रोजविला में मिस्टर मॉर्गन मौजूद ही नहीं थे। योर ऑनर, नहीं देखा का ये मतलब नहीं होता कि ये वहां उपस्थित नहीं थे। नहीं देखा का अर्थ ये भी हो सकता है कि ये वहां थे किंतु जैनेट का ध्यान उन पर नहीं पड़ा। गोलियां चलते समय जैनेट फर्श पर गिर गई थी, और हो सकता है कि गोलियां चलने के बाद जैनेट का मिस्टर मॉर्गन पर ध्यान पड़ता, उससे पहले मिस्टर मॉर्गन रोजविला के पीछे के दरवाजे से फरार हो गए। संभव है? यू थिंक इट्स पॉसिबल? योर ऑनर, मैं फादर हेनरी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। ऑर्डर, ऑर्डर, परमिशन ग्रांटेड। आई एम सॉरी फादर, लेकिन ये करना जरूरी था। एनीथिंग इन द नेम ऑफ गॉड माय चाइल्ड। फादर, जब जैनेट रोजविला के अंदर एंटर हुई उस वक्त आप बाड़ा में मौजूद थे? यस। याद करके बताइए कि उस वक्त मिस्टर मॉर्गन कहां थे? ऑफ कोर्स, वो मेरे साथ ही था और हम उसका डेकोरेशन का तारीफ भी कर रहा था। फादर, जब रोजविला के अंदर फायरिंग हो रही थी उस वक्त मिस्टर मॉर्गन कहां थे? वो मेरे साथ ही था। रॉबर्ट माय चाइल्ड, ये सब कैंडल लाइट तुम ही करेगा। ओके फादर। थैंक यू योर ऑनर। एक इंसान एक ही वक्त पर दो जगह पर कैसे मौजूद हो सकता है? जिस समय रोजविला के अंदर फायरिंग हो रही थी, मिस्टर मॉर्गन फादर के साथ बाड़ा में मौजूद थे, तो वो रोजविला के अंदर फायरिंग कैसे कर सकते हैं? That's practically impossible. किडी, फादर हेनरी को आप क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहेंगे? जी 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 नहीं योर ऑनर, मेरे पास फादर हेनरी के लिए कोई प्रश्न नहीं। योर ऑनर, इस समय मेरे पास मेरे मुवक्किल को बचाने के लिए और कोई साक्षी या साक्ष्य बचा नहीं, इसलिए मैं अदालत से समय की मांग करता हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, डिफेंस को ऑलरेडी अपनी मुवक्किल को बचाने का बहुत समय मिल चुका है और समय देने का कोई मतलब ही नहीं है। योर ऑनर, इन दिस केस जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस डिनाइड। ऐसा ना हो कि समय बचाने के लिए हम एक निर्दोष को दोषी करार दे दें। प्लीज योर ऑनर। अनुमति। Shut
चारों मृत शरीर यहीं पाए गए। वरुण जरा यहाँ खड़ा। दवे जैनेट कहाँ खड़ी थी? यहाँ पीछे। ट्रेजेक्टरी रिपोर्ट के अनुसार तो गोली इसी दिशा से चली थी। इस संभावना को टटोले कि जैनेट ने गोली नहीं चलाई तो किसी ने जैनेट को फंसाने के लिए गोली इस खिड़की से चलाई। यहाँ से तो मुझे वरुण बिल्कुल नहीं नजर आ रहा, तो खिड़की से गोली चलना संभव नहीं। और अगर बाहर से गोली नहीं चली तो फिर वहां से कोई बंदूक भी अंदर नहीं फेंक सकता, तो फिर जैनेट के पास वो गन कहां से आई जिससे चार मर्डर्स हुए? कुछ समझ में नहीं आ रहा वरुण। बस एक दिन है मेरे पास जैनेट को निर्दोष साबित करने का, और कोई साक्षी नहीं, कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा। तो नहीं क्या होगा? आप क्या कोई सबूत या गवाह जुटा पाए केडी? मैं कुछ कहना चाहूँ। मैं अपने सबूतों और गवाहों से ये प्रूव कर चुकी हूँ कि मिस जैनेट कोलमैन ने ही डिमेलो परिवार की हत्या की। बैलिस्टिक रिपोर्ट्स भी इस बात की पुष्टि करती है कि चार डेड बॉडीज में से जितनी बुलेट्स पाई गई वो उसी पिस्टल की है जो मिस जैनेट कोलमैन के हाथ में थी जिससे उन्होंने डिमेलो परिवार की हत्या की और उसी से अपनी जान लेने की कोशिश की। दूसरी बात, मिस कोलमैन ने इसी अदालत में खुद अपने मुंह से अपने जुर्म का इकबाल किया था। हाँ, हाँ, मैंने झूठ किया, मैंने फ्रांसिस और उसकी पूरी फैमिली का झूठ किया। तीसरी बात, जब रोजविला में फायरिंग हो रही थी, मिस कोलमैन के अलावा डिमेलो परिवार के चार लोग और इसके अलावा और कोई नहीं था रोजविला के अंदर। और चौथी बात, मास मर्डर होने के बाद जब बाड़ा के लोग रोजविला के अंदर गए तो उन्होंने वहां पर मिस कोलमैन को उस पिस्टल के साथ डेड बॉडीज के सामने देखा। योर ऑनर, मैं प्रूफ कर चुकी हूं कि मिस कोलमैन ने डिमेलो परिवार के चार लोगों की हत्या की। केडी, अपना फैसला सुनाने से पहले यह अदालत एक बार फिर आपसे पूछती है, क्या आपके पास कोई ऐसा गवाह या सबूत है जो आपके मुवक्किल जैनेट कोलमैन को बेगुनाह साबित कर सके या किसी और को गुनहगार? योर ऑनर, जैनेट कोलमैन एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है। इन्होंने चार बेगुनाह लोगों की जान ली है और ऐसे जुर्म के लिए सिर्फ एक ही सजा है, फांसी की सजा। आप लोग बैठ जाइए। आप लोग सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जैनेट कोलमैन गुनहगार हैं। इसलिए यह अदालत जैनेट कोलमैन को फ्रांसिस फेनी, डायना डिमेलो और जॉन एडम्स के कत्ल के जुर्म में इंडियन पेनल कोड की धारा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। टू बी हैंग्ड टिल डेथ। आपको एक केस लेना चाहिए क्योंकि मैं आपको हारते हुए नहीं देख सकता। सर, दिस इज एन ओपन एंड शट केस। सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ। इसी जैनेट ने मेरा फैमिली को किल किया। हाँ, मैंने खुद किया। नहीं, फ्रांसिस,
कोलमैन एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर और ऐसे जुर्म के लिए सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। जेनेट कोलमैन इंडियन पेनल कोड की धारा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म है। केडी, गेट अप, कॉफी केडी। सर प्लीज, जिस प्रकार से भी हो आपको जेनेट की फांसी रुकवानी ही पड़ेगी। ये तुम क्या कह रहे हो केटी? केस खत्म हो चुका है, जेनेट कोलमैन को फांसी की सजा हो चुकी है, उसी ने मार्स मर्डर्स किए हैं, वही अपराधी। सर वो अपराधी नहीं है। आज सवेरे ही मुझे ऐसा सुराग मिला है जिससे मैं अदालत में ये साबित कर दूंगा कि वो अपराधी नहीं है। और सर मैं आपसे उसकी सजा रद्द करने को नहीं कह रहा, सिर्फ स्थगित करने को कह रहा हूँ, इंटरिम स्टे की बात कर रहा हूँ। सर आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, बेगुनाह को सजा देना उचित नहीं है। प्लीज सर। ठीक है किडी, तुम कहते हो तो मैं होम मिनिस्टर से अपील कर देता हूँ, लेकिन ये तो तुम भी जानते हो कि कल सैटरडे है और परसों संडे है, गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद रहते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, थैंक यू सर, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कीप फेथ माई चाइल्ड, मे गॉड बी विथ यू। हम खुद फ्रांसिस के पास जाके सॉरी बोलेगा फादर। गोली कहाँ से चली थी? सो यू ट्रूली एन इंस्पिरेशन। हारने के बाद भी आप विश्वास नहीं हारते। जीवन में हार तभी होती है जब इंसान विश्वास हारते। विश्वास कभी नहीं हारना चाहिए। सर मैं फिर से बैकयार्ड में चेक करके आता हूँ। क्या हुआ, गृह मंत्री से कोई आदेश आया? नहीं अभी तो नहीं। जेनेट कहाँ है? उसे ले जा रहे हैं। एक मिनट केडी, होल्ड रखना। आदेश आ गया केडी। 3 दिन का स्टे मिला है। मैं जेनेट की फांसी रुकवा देता हूँ। थैंक्स तबे। सर ये देखिए। क्या पे तो लॉन्ड्री टैग लगा हुआ है। पता लगा कौन सी लॉन्ड्री का है? राइट सर। लॉन्ड्री से पता लगाना किस व्यक्ति का है, पता भी लेना उसका। गुड़ी कहां से चली थी? योर ऑनर, जेनेट कोलमैन को फांसी की सजा सुनाई गई। एन फांसी के दिन मिस्टर पाठक ने उनकी सजा पर इंटरिम स्टे लेकर इस केस को रीओपन करवाया। मिस्टर पाठक, क्या मैं जान सकती हूँ कि इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था? अगर डिफेंस ने इतना बड़ा स्टेप लिया है तो उसकी जरूर कोई वजह होगी। केडी, यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं मिस्टर बॉब स्मिथ को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। बधाई हो मिस्टर स्मिथ, कांग्रेचुलेशन। अरे समाचार पत्र में छपा है, देखिए, जो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग केस था, आप पर मुकदमा चल रहा था, आप पर नशे की हालत में गाड़ी चलाकर किसी को मारने का, उसमें से आप निर्दोष साबित होकर बरी हो चुके हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस सवाल का जेनेट के केस से क्या ताल्लुक है?
योर ऑनर, मेरे प्रश्न का जैनेट के केस से संबंध है अथवा मैं पूछता नहीं, अगर प्रोसिक्यूटर साहेबा मिस्टर स्मिथ को उत्तर देने दें तो सब स्पष्ट हो जाएगा। मिस्टर स्मिथ, केडी के सवालों का जवाब दीजिए। अब वो क्योंकि उस केस में कोई विटनेस ही नहीं था। विटनेस नहीं था या कोई विटनेस जीवित नहीं बचा? योर ऑनर, मिस्टर बॉब स्मिथ पर जो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग एंड कॉजिंग एक्सीडेंटल डेथ का जो केस था, उसमें एक नहीं चार चार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे। 4 आई विटनेसेस योर ऑनर, फ्रांसिस, फैनी, डायना डिमेलो एंड मिस्टर जॉन एडम्स योर ऑनर। इज दैट राइट और इज दैट राइट मिस्टर बॉब स्मिथ? राइट फैनी, हम सब कोर्ट में इसके अगेंस्ट टेस्टिफाई करेंगे। हेलो पुलिस। और फिर योर ऑनर, मिस्टर बॉब स्मिथ को पुलिस ने हिरासत में लिया और जांच करने पर यह पाया गया कि उस समय इनके लहू में अधिक मात्रा में मदिरा थी। अदालत ने इन्हें जामीन पर छोड़ दिया था किंतु केस अब तक चल रहा था। मिस्टर स्मिथ, आप जानते थे कि ये जो कांड आपने किया था, डिमेलो परिवार इस कांड का प्रत्यक्षदर्शी है और आप चाहते थे कि वो आपके विरुद्ध अदालत में कथन न दे, इसलिए आपने उन पर आर्थिक दबाव डाला, मानसिक दबाव डाला, किंतु वो तस से मस नहीं हुए। फिर आपने अपना अंतिम उपाय अपनाया, एक ही साथ में पूरे परिवार का सफाया, सबकी हत्या कर दिया। इम्पॉसिबल योर ऑनर, मैं मानती हूं कि मिस्टर बॉब स्मिथ के पास मर्डर का मोटिव था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्टर जेफरी और मिस्टर मॉर्गन के पास था, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि इन तीनों के पास एलिबाई है। और ये मैं पहले भी प्रूव कर चुकी हूं कि जब रोजविला के अंदर शूटिंग हुई, उसके बाद सबसे पहला इंसान जिसने रोजविला का दरवाजा तोड़कर एंट्री ली, वो मिस्टर बॉब स्मिथ है। केडी, आप ये साबित कर सकते हैं कि बॉब ने ही ये मर्डर्स किए हैं? योर ऑनर, साबित करने के लिए मुझे कड़ी से कड़ी जोड़नी होगी और श्रृंखला की पहली कड़ी है फादर हेनरी, जो यहां आकर हमारी पहचान एक नए पात्र से करवाएंगे। जैक डिकोस्टा, मालवनी में उसका एक गिफ्ट शॉप है और जिस दिन जैनेट को फांसी होने वाला था, वो हमारे चर्च में आया था कन्फेशन करने के वास्ते। फादर, बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, जो बात मैं आपको कहने वाला हूँ, मैं मुझे ज्ञान है कि जो कन्फेशन आपके सामने की जाती है उसे किसी और को बताना आपके लिए अवैध ही नहीं, पाप भी है। अब आप बताएं ना बताएं ये आप पर निर्भर करता है, परंतु अगर आप नहीं बताएंगे, हो सकता है कि एक निर्दोष को फांसी की सजा हो जाए। Forgive me, O Lord, for this sin. Anything in the name of God. जैक ने उस दिन कहा था। फादर, अपन जैक डिकोस्टा, फादर अपन से एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। फादर, फादर अपन परिसर में आकर चार लोगों का मर्डर कर डाला। फादर, ओह माय गॉड, इतना बड़ा सिन किया तुमने। व्हाई माय चाइल्ड? अपन को पूरे 15 लाख रुपए चुकाने को थे फादर, और अपन के पास एक पैसा भी नहीं था फादर। पर फादर उसने अपन को बोला, उसने अपन को बोला कि तू ये मर्डर कर दे, तेरा पैसा माफ। पर फादर अभी अपन अपने आप को कैसे माफ कर सकता है फादर? Now wash all your sins, सरेंडर कर दो अपने आप को, नहीं तो वैसे भी तुम यहाँ से पीसफुली नहीं जा सकेगा। ओके फादर, अपन ऐसे ही करेगा फादर, अपन अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा फादर, अपन अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। कौन था वो आदमी? किसका मर्डर किया? आपको नाम नहीं बताया फादर? नो माय चाइल्ड, एज अ फादर ऑफ द चर्च, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकता कन्फेस करने के लिए। इट्स एन एक्ट ऑफ विलिंगनेस। योर ऑनर, इससे कुछ साबित नहीं होता।
हो सकता है कि जैक किसी और मर्डर का कन्फेशन कर रहा हो। मुझे नहीं लगता कि जैक का इस केस से कोई लेना देना है। Hey, Your Honor, लेना देना है। जब मैं अपने सहायक वरुण के साथ रोज विला गया था तो वहां से मेरे सहायक ने ये स्कार्फ बरामद किया जिस पर लॉन्ड्री टैग लगा हुआ था योर ऑनर। और उस इलाके में हर लॉन्ड्री से छानबीन करने के बाद ये पाया गया कि ये स्कार्फ जैक डिकोस्टा का ही है। हमने जैक डिकोस्टा के गिफ्ट शॉप का पता ढूंढा और मेरे सहायक वरुण उस गिफ्ट शॉप पर पहुंचे, किंतु जैक, 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 फ्रांसिस की फैमिली को अपुन ने मारा अंडर प्रेशर। किसने तुम पर जवाब डाला था? बोलो, जैक, जैक। योर ऑनर, उस ग्लास की और उस ग्लास में बची वाइन की फोरेंसिक जांच करने पर यह पता चला कि उस वाइन में जहर मिलाई गई। भाग्यशाली है जैक कि मेरे सहायक वरुण उसे समय अनुसार अस्पताल लेकर गए चिकित्सा के लिए, इस कारण वो बच गए। होश में भी आए थे मिस्टर जैक डिकोस्टा योर ऑनर। होश में आते ही उन्होंने कहा कि वो स्वयं अदालत में आकर अदालत को बताना चाहते हैं कि असल हत्यारा कौन है। इतना कहते ही वो फिर से बेहोश हो गए योर ऑनर, नाम नहीं पता चल पाया। लेकिन केडी, बेहोश होने से पहले जैक ने आपको ये नहीं बताया कि उसने ये मर्डर किसके दबाव में आके किए? जी नहीं योर ऑनर। वैसे तो मोटिव ऑफ मर्डर तीन लोगों के पास थे, मिस्टर मॉर्गन, मिस्टर जेफरी और मिस्टर स्मिथ। यू आर राइट योर ऑनर। इस कारण जब तक जैक का बयान दर्ज नहीं हो जाता, मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि कार्यवाही यहीं स्थगित कर दी जाए। जब तक मिस्टर जैक होश में नहीं आ जाते और इस काबिल नहीं हो जाते कि वो अदालत में आकर अपना बयान दें, तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। मिस्टर बॉब स्मिथ, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर इस अदालत में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैक डिकोस्टा की हत्या करने के लिए वार्ड बॉय भी बन गए हैं आप। योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे ने मिस्टर बॉब स्मिथ को जैक डिकोस्टा की हत्या करने का प्रयास करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मरे हुए को क्या मारेगा? आप तो इतने चतुर हैं, इतने चालाक हैं, जैक डिकोस्टा की हत्या करने का प्रयास करने से पहले इतना तो पता कर लेना चाहिए था कि वास्तव में जैक जीवित है या नहीं। ऐसा नहीं किया आपने, फंस गए। आपका मतलब क्या है केडी? योर ऑनर, पिछली सुनवाई में जो कथन दिया गया था कि वे शैला वाइन पीने के बाद जैक डिकोस्टा साहब अस्पताल में बेहोश पड़े हैं, वो कथन झूठा था योर ऑनर। व्हाट? योर ऑनर, असल हत्यारे पर मानसिक दबाव डालने के लिए वो कथन दिया गया था। मुझे पूरा संदेह था कि असल हत्यारा जैक डिकोस्टा की हत्या करने का प्रयास करेगा ताकि वो होश में आने के बाद कुछ बोल न दे, और ऐसा ही हुआ योर ऑनर। मिस्टर स्मिथ, जैक डिकोस्टा की हत्या तो एक दिन पूर्व ही हो चुकी थी। आप ही ने उस वाइन में जहर मिलाकर उन्हें मार दिया था योर ऑनर। वही जहर हमें बॉब स्मिथ जी के घर से भी बरामद हुआ। बताइए मिस्टर स्मिथ कि आपने जैक डिकोस्टा की हत्या क्यों की? वो मेरे को मेरे पैसे नहीं लौटा रहा था। पैसे? कैसे पैसे? 15 लाख्स। योर ऑनर, मिस्टर जैक डिकोस्टा ने फादर हेनरी से अपने कन्फेशन में कहा था कि वो 15 लाख रुपए लौटाने की उनमें क्षमता नहीं थी, और इसी कारण उन पर किसी की हत्या करने का दबाव डाला जा रहा था। मिस्टर स्मिथ झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर, और ये बात स्पष्ट हो जाएगी इस दस्तावेज को देखने के बाद जो हमें जैक डिकोस्टा के दुकान से प्राप्त हुआ। इस दस्तावेज के अनुसार योर ऑनर, मिस्टर बॉब स्मिथ के वो 15 लाख रुपए जो जैक डिकोस्टा को इन्हें देने थे,
उस ऋण से 26 दिसंबर के दिन बॉब स्मिथ ने स्वयं जैक डिकॉस्टा को ऋण मुक्त किया था। प्रश्न ये उठता है, योर ऑनर की हत्या के दो दिन बाद ही क्यों मिस्टर बॉब स्मिथ ने जैक डिकॉस्टा को ऋण मुक्त किया? कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है योर ऑनर, और हर इशारा मिस्टर बॉब स्मिथ की ओर है। हर संकेत यह कहता है कि इस षड्यंत्र के रचयिता आप ही हैं मिस्टर बॉब स्मिथ। ये सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। दो बातें अभी भी क्लियर नहीं हुई है। मर्डर वेपन मिस कोलमैन के हाथ में पाया गया था, कैसे? और जैक ने मर्डर किया तो कैसे? योर ऑनर, जैक को वाड़ा में एंटर करते हुए, रोज विला के अंदर जाते हुए या वाड़ा से भागते हुए किसी ने नहीं देखा। योर ऑनर, मौका वारदात पर जैक था ही नहीं। था योर ऑनर, जैक डिकॉस्टा उस रात को रोज विला के अंदर ही था। इनफैक्ट इस बात का साक्ष्य हमें रोज विला के अंदर से ही मिला है। कारतूस हमें वहां से प्राप्त हुई, ये उसी पिस्टल की है जिस पिस्टल से ये सारी हत्याएं की गई, और मेरी बात को समर्थन देने वाला बैलिस्टिक रिपोर्ट आपकी मेज पर रखा है। और इससे पहले कि आप फिर से टोके मिस बोस, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दिए देता हूं कि जैक को न किसी ने आते देखा न जाते देखा, फिर कैसे? उस तरफ रख देना ऑनर में। ये कितना क्यूट है। इस मुकदमे की अंतिम कड़ी, जैक का मोबाइल फोन। जैक ने मिस्टर बॉब स्मिथ को एसएमएस द्वारा बताया था कि वो इस हत्या का पश्चाताप करना चाहते हैं, पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। तभी उसी एसएमएस के बाद मिस्टर स्मिथ ने जैक की हत्या की, किंतु मिस्टर बॉब स्मिथ मिस्टर जैक डिकॉस्टा के फोन पर से वो एसएमएस मिटाना भूल गए, डिलीट करना। क्यों मिस्टर स्मिथ? मिस्टर पाठक, हां जी, जेफरी की गन जैक के पास कैसे गई? जैक तो स्नोमैन के अंदर था। मैं चाहूंगा कि आपके इस प्रश्न का उत्तर मिस्टर स्मिथ स्वयं दे। भाई बताओ क्यों? मैंने जेफरी के घर से गन चुरा के जैक को दिया, ये सोचा कि अगर जैनेट बच भी जाए तो जेफरी तो फंसेगा। चलिए अब मेरे एक सरल से प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, जैनेट ही क्यों? जैनेट के सर पे आरोप क्यों मढ़ दिया आपने? जैनेट को क्यों फंसाया? प्लान का स्टार्टिंग तब हुआ जब मैं जैक का गिफ्ट शॉप ले गया, वहां मैं फ्रांसिस और डायना को मिला। ओह गॉड, स्नोमैन बनता, वो तो बनाना पड़ेगा मैन। तो बनाओ, आई वांट मींस आई वांट। सुना जैक, नहीं बनाएगा ना तो ये हमारा डायना, वो हम दोनों को फ्रीजर में डाल के हमारा स्नोमैन बना देगा, समझा तुम? ओके ओके, डोंट वरी, अपन 24 दिसंबर को माल डिलीवरी कर देगा। ओके, ये क्रिसमस जाने दे मैन, अपन तेरा पिछला पूरा उधार चुकता कर देगा, प्लीज मैम। मैंने प्लान बना के जैक को स्नोमैन के अंदर जाने को फोर्स किया। जैक ड्वार्फ स्नोमैन के अंदर से किलिंग करेगा तो किसी को डाउट नहीं होगा। 24 दिसंबर को मैं पर्पसली जैनेट के साथ दारू पीने को बैठा, मेरे को मालूम था कि
जैनेट और फ्रांसिस का लास्ट 6 महीने से कोई रिश्ता नहीं था, और जैनेट को मेरे ड्रंकन ड्राइविंग केस के बारे में फ्रांसिस कुछ नहीं बोला था। बार में जैनेट की ड्रिंक में मैं ऐसा ड्रग मिलाया जिससे बहुत अग्रेशन होते हैं, और सॉलिड नशे में मैं उसको बोला। उसने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तू ना फ्रांसिस के घर जाके उसके फैमिली के सामने उसको एक्सपोज कर देने का, रोज विला में गन लेकर जाने का। मारा? फ्रांसिस का मारा? नो मैन, अपन किसी का मर्डर नहीं करने को सकता। अरे मर्डर करने को कौन कह रहा है, धमकी देने का। पप्पी कितना तेरे पीछे आ जाएगा, उसका फैमिली उसको लात मार के बाहर निकाल देगा, ट्रस्ट मी। ये बताइए बॉब साहब कि आपने जैनेट की मदिरा में वो ड्रग आपने मिलाया जिसके कारण इनकी सोचने की शक्ति, विचार शक्ति, इनकी बुद्धि मंद हो गई। समझ में नहीं आ रहा कि इनके रक्त परीक्षण में ऐसे कोई ड्रग का उल्लेख नहीं, ये कैसे हो गया? जैनेट की ड्रिंक में मैंने एक ग्रेसो नाम का ड्रग मिलाया था जिससे बहुत अग्रेशन होता है, बहुत नशा होता है, लेकिन 3 आवर्स के बाद उसका कोई ट्रेस नहीं रहता, सिर्फ अल्कोहल का ट्रेस रहता है। अग्रेसो नामक ड्रग है जिसका 3 घंटे बाद कोई अंश नहीं मिलता लहू में, पढ़ा था मैंने। नाउ मिस देवयानी बोस, अगर आपके प्रश्न शेष हो गए हो तो द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत जेनेट कॉलमैन को निर्दोष पाते हुए उनकी फांसी की सजा रद्द करती है और उन्हें बाइज्जत बरी करती है, और बॉब स्मिथ को फ्रांसिस फेनी, डायना डिमेलो, जॉन एडम्स और जैक डिकोस्टा के कत्ल के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। टू बी हैंग्ड टिल डेथ। तो मिस देवयानी बोस, मैं कह रहा था कि लगता है मिस बोस रूठ गई, पर वहां मिस्टर बॉब स्मिथ का तो बुरा हाल हो गया, कहां से कहानी कहां तक पहुंच गई। ये देखिए, नशे की अवस्था में वाहन चलाना, इस पर प्रतिबंध तो है, ये अवैध कार्य है, ऐसा करके अपनी और अपनों का सुखमय जीवन नष्ट न करें। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ओके? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.